हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जिसका नाम है क्रशिस रिवर्स। ये ड्रामा 2018 में रिलीज हुआ था और इसकी रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। इस ड्रामा में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है यूसोमी, नाम डोंगहा, नाम डोंगयू और यूसोरा। तो चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सोमी और डोंगयूंग से, जो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और क्या ऑर्डर देना है ये डिसाइड कर रहे होते हैं। डोंगयूंग सोमी से पूछता है कि वो क्या खाना पसंद करेगी। सोमी जवाब देती है कि मैं तो कुछ भी खा लूंगी। उसके बाद डोंगयूंग उसे कुछ और आइटम दिखाता है और वो सबके लिए हाँ बोल देती है। सोमी मन ही मन में डोंगयूंग को देखकर खुश हो रही होती है, तभी एक और लड़की वहाँ आ जाती है। अभी तक तो ऐसा लग रहा होता है जैसे सोमी और डोंगयूंग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन उस लड़की के आने के बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की डोंगयूंग की गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम सोरा है और वो सोमी की बड़ी बहन है। वहाँ आने के बाद सोरा देखती है कि उन दोनों ने बहुत कुछ ऑर्डर दिया होता है। सोरा कुछ और ऑर्डर देने के लिए कहती है क्योंकि वो डिशेस काफी महंगी होती हैं। सोमी कहती है कि मुझे ये सब पसंद है। सोरा उससे पूछती है कि क्या तुम इसका पेमेंट करोगी। तभी डोंगयूंग बीच में बोलता है, कोई बात नहीं, हम बचा हुआ खाना पैक करा लेंगे। डोंगयूंग को अपनी साइड लेता देख सोमी खुश हो रही होती है क्योंकि डोंगयूंग उसका क्रश होता है। तभी सोरा को किसी की कॉल आती है और वो कॉल पर बात करने के लिए बाहर चली जाती है। सोरा के जाने के बाद सोमी डोंगयूंग से पूछती है कि हम लोग घूमने कब जाएंगे। तुमने कहा था कि हम तीनों और डोंगहा साथ में घूमने जाएंगे। डोंगहा डोंगयूंग के छोटे भाई का नाम होता है। डोंगयूंग पूछता है कि हम घूमने कहाँ चले, तो सोमी उसे लैटे वर्ड चलने के लिए कहती है। डोंगयूंग ये कहकर जाने से मना करता है कि सोरा को भीड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं है। सोमी कहती है तो फिर सिर्फ तुम और मैं साथ में चलते हैं, हम लोग कपल ड्रेस पहन लेंगे ताकि हमें कपल डिस्काउंट मिल सके। ये सब कहते हुए सोमी बहुत एक्साइटेड और खुश दिख रही होती है। ये सुनकर डोंगयूंग के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं। उसके चेंज एक्सप्रेशन देखकर सोमी बहाना बनाते हुए कहती है कि मैंने तो इसलिए ऐसा कहा क्योंकि तुमने कहा सोरा को भीड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं है। डोंगयूंग कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब क्या कहना चाहिए। तुम छोटी बच्ची नहीं हो, कुछ लाइनें होती हैं जो तुम्हें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तुम सोरा की सिस्टर हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। ये सब सुनकर सोमी दुखी हो जाती है। तभी सोरा वापस आ जाती है और सोमी बच जाती है। ये सारी कहानी सोमी अपनी फ्रेंड को सुना रही होती है। ये सुनाते हुए वो बड़ी एक्साइटेड हो रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे पागल कहकर बुलाती है। सोमी उससे पूछती है कि मैंने क्या कुछ गलत किया है, क्या मेरा किसी पर क्रश भी नहीं हो सकता। उसकी फ्रेंड उसे डांटते हुए कहती है कि अगर तुम्हें किसी पर क्रश होना ही है तो किसी सेलिब्रिटी पर रखो। तुम अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को क्यों पसंद कर रही हो, तुम्हारी सिस्टर तो वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल और हॉट है, और तुम खुद को देखो, तुम उनकी डेट क्यों खराब करना चाह रही थी। तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारी डेट में जबरदस्ती घुस जाएगा। तो मुझे पक्का यकीन है कि वो मन ही मन में तुमसे बहुत गुस्सा हो रहा होगा। सोमी कहती है नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो क्या सोच रहा होगा। जब उसने तुमसे खाने के लिए पूछा होगा और तुमने हाँ कहा होगा, तो वो सोच रहा होगा कि इसे तो महंगा खाना पसंद होगा। फिर जब तुमने कहा होगा कि मैं कुछ भी खा लूंगी, तो वो सोच रहा होगा कि ये कितनी भुक्कड़ है, इसे तो खाने लायक जो भी मिल जाए ये वो खा लेगी, और पास से देखने पर तो ये कितनी अगली है। ये अगली वाली लाइन असल में डोंगहा ने कही होती है। वो आगे कहता है अरे तुम्हारे चेहरे पर तो रिंकल्स पड़ रहे हैं। ऐसा कहकर वो सोमी के चेहरे की तरफ इशारा करता है। तभी सोमी उसकी चिन पर मार कर उसे चिढ़ाते हुए भाग जाती है। अब दोनों अपनी क्लास में बैठे होते हैं और सोमी सोच रही होती है ये नाम डोंगहा है, ये भी मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसा सोचकर वो किस करते हुए नाम डोंगहा की तरफ देखती है और उसे ऐसा करते देख नाम डोंगहा बड़े ही अजीब एक्सप्रेशन बनाता है। उसे ऐसा करते देख सोमी उसे मजाक में मारती है और फिर ये सोचती है ये सिर्फ मेरा एक बॉय फ्रेंड है, इसमें अपने भाई जैसी एक भी क्वालिटी नहीं है। फिर वो क्लास में जाकर डोंगहा की कॉपी से होमवर्क कर रही होती है। घर वापस जाकर वो होमवर्क करने के लिए अपनी कॉपी निकालती है तो उसे पता चलता है कि वो गलती से डोंगहा की कॉपी ले आई होती है। वो डोंगहा के घर उसकी कॉपी वापस करने के लिए जाती है।
डोंगहा के घर के अंदर जाने पर वो डोंगयुंग को सोफा पर लेटे देखती है। वो उससे बात करने जाती है तो देखती है कि डोंगयुंग सोया होता है। वो उसका चेहरा पास से देख रही होती है और फिर वो सोते हुए डोंगयुंग को किस कर देती है। तभी उसका ध्यान डोंगहा की ओर जाता है जो उसे ये सब करते हुए देख लेता है। और यहाँ पर क्रशिस रिवर्स का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डोंगहा सोमी को कैसे परेशान करता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बड़ा ही क्यूट सा फ्रेंडशिप का रिश्ता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।